इंटरव्यू निकुंज डालमिया ने किया और हमारे साथ वो इस वक्त स्टूडियो में भी मौजूद है, उनसे समझते हैं इस. आई एम श्योर निकुंज, इट वॉज अ ग्रेट इंटरव्यू. बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूड्स भी निकल कर आए. इन्फ्लेशन पीक आउट, ये बात बार बार की जा रही थी. जब गवर्नर साहब खुद आकर बोलते हैं तो फॉर श्योर एक रिलीफ रैली देखेगी बाजार में. आप कैसे देख रहे हैं? अगर आप देखें कि कल मार्केट के अंदर सेकेंड हाफ के अंदर जो रैली आई थी, वह रैली जब आई जब मार्केट कन्विंस्ड हो गया कि भाई इन्फ्लेशन नीचे आने वाली है, तो अगर बैंक्स में खास करके जो रैली आप देखें, मेरा ये मानना है कि मार्केट को एक बहुत बड़ी राहत मिली है. 6 से 4 होना, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक का ऐड आता था ना कि 6 का 4 का 6, इट इज नॉट 2% ज्यादा, इट इज 50% मोर. तो इन्फ्लेशन जो 6 की 4 की हम बात कर रहे हैं, इट इज नॉट 2% लोअर, इट इज 50% लेस. 50% लेस अगर इन्फ्लेशन हो जाती है आने वाले 18 महीनों के अंदर, तो कितनी बड़ा चेंज हो सकता है मार्केट वैल्यूएशंस को लेकर के, कंपनीज को लेकर के, मार्जिन्स को लेकर के. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर कोई एक्सटर्नल शॉक नहीं आता है तो मुझे लगता है कि वह टारगेट अचीव कर लेगा जिस प्रकार का इन्होंने इस प्रकार की रणनीति अपनाई है. तो मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है. एक जो एक फियर आ गया था भी इन्फ्लेशन ऊपर रहेगा, काफ़ी समय तक रहेगा, और इन्फ्लेशन अगर ऊपर रहता है तो नुकसान है. देखिए इक्विटी मार्केट में अगर इन्फ्लेशन ऊपर रहता है, मैं समझा देता हूँ, तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर रहते हैं. अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर रहते हैं तो आप जो मूल्यांकन करते हैं कंपनियों का, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप मूल्यांकन करते हैं कंपनियों का, वो नीचे आ जाता है. तो शायद इसीलिए हम बोलते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो इक्विटी वैल्यूएशंस हमेशा ऊपर जाते हैं. थोड़ा टेक्निकल है, मगर अगर मैं संक्षिप्त में समझाऊं तो अगर इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा ऊपर रहते हैं तो इक्विटी वैल्यूएशंस को हमेशा नुकसान होता है. इंटरेस्ट रेट्स कम रहते हैं तो इक्विटी वैल्यूएशंस को हमेशा बेनिफिट होता है. अगर इन्फ्लेशन 6-6.5% अगले 2 साल तक रहेगा तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर रहेंगे. इंटरेस्ट रेट्स ऊपर रहेगा तो डिमांड और इक्विटी वैल्यूएशंस को हमेशा नुकसान होगा. लेकिन बात बिल्कुल ठीक है. रोज रोज मार्केट का पूछा भी नहीं जा सकता कि मार्केट आज कैसे होगा, कल कैसे होगा, लेकिन चर्निंग के हिसाब से आपको लग रहा है कि बैंक अब इस पोजीशन में है, खासकर मिड साइज बैंक इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस यहाँ पे आए? क्योंकि मैं जब डेरिवेटिव्स का डाटा देख रहा था उसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी यूनियन बैंक, इस तरह के कुछ एक बैंक ऐसे हैं जहाँ पे रोल ओवर के नंबर अच्छे आ रहे हैं. दीपी, कल हम क्रिकेट टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे थे गवर्नर साहब के साथ, तो अगर आज भी क्रिकेट टर्मिनोलॉजी यूज़ करें तो उसके हिसाब से तो कल जो मार्केट था वो मेड लेग बाउंसर था, मैं एडमिट करूंगा. मुझे लग रहा था मार्केट कल इस प्रकार की रिकवरी नहीं करेगा. आरबीआई कमेंट्स के बाद जाहिर है मार्केट में एक रिलीफ रैली हुई. तो अगर आप पिच रिपोर्ट अगर आज आप देखें सुबह सुबह, उसी टर्मिनोलॉजी को हम बाहर करते हैं, तो पिच रिपोर्ट क्या है? थोड़ा बहुत करेक्शन दिख रहा है ग्लोबल मार्केट्स में. डॉलर इंडेक्स जो है डबल टॉप बनाएगा नहीं बनाएगा बोलना मुश्किल है, मगर डॉलर इंडेक्स अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है. क्रूड $100 के आसपास आ चुका है. तो जो पिच रिपोर्ट ये दिखा रही है कि भाई इस समय मार्केट के अंदर आप फर्स्ट बॉल पे नहीं हिट करना चाहिए, सेटल होने दीजिए 2-3-4 दिन. तो मार्केट का व्यू उन डेटा पॉइंट्स पे बनाएं जो कि हमें 7-8 दिन में पता लग जाएगा कि मार्केट के अंदर क्या FII, एक दिन की सेलिंग थी, एक दिन की बाइंग थी, क्या रुख है, किस तरह क्रूड जा रहा है, US मार्केट में करेक्शन हो रहा है, 2 दिन ऊपर 1 दिन नीचे. तो थोड़ा सेटल होने दीजिए मार्केट को. आई थिंक 2-3 दिन के अंदर में क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगला बॉलर कौन है, स्पिन है या फास्ट है. अच्छे एग्जांपल के साथ आपने ये बात रखी. निकुंज, गुड मॉर्निंग. लेकिन केपेक्स थीम को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हिंडाल्को की AGM हुई और इंपॉर्टेंट टेकअवेज में अगले 5 सालों में बड़ा केपेक्स अनाउंस भी किया उन्होंने, और ये भी कहा कि कंसर्न्स है बावजूद इसके इंडिया की ग्रोथ स्टोरी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है. केपेक्स में मुझे देखिए हिंडाल्को ने जो अनाउंस करा है उसका बेनिफिट मुझे लगता है हिंडाल्को से ज़्यादा उन कंपनीज को मिलेगा जो केपेक्स की पूरी सप्लाई चेन के अंदर है. देखिए एक एग्जांपल हम बार बार बोलते हैं कि जब आप कोई ट्रेंड को देखते हैं तो उस ट्रेंड से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनको हमेशा बेनिफिट मिलता है. उदाहरण के तौर पर बैंगलोर में जब IT इंडस्ट्री आई तो बैंगलोर की रियल एस्टेट का में चमत्कार हो गया. ठीक है, बैंगलोर के अंदर जो रियल एस्टेट बूम आया है, मेरा ये मानना है कि इसके पीछे IT के अंदर जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से आए हैं. तो उसी प्रकार से अगर हिंडाल्को जैसी बड़ी कंपनीज केपेक्स करती हैं तो किन कंपनीज को बेनिफिट होगा? तो अगर आप कंपनी कोई केपेक्स करती है तो क्या करेगी? सबसे पहले लैंड लेगी, फिर सीमेंट लेगी, फिर मशीनरी लेगी, फिर वो टेक्नोलॉजी में निवेश करेगी. तो मशीनरी रिलेटेड स्टॉक्स जितने भी हैं मुझे लगता है उन पर ध्यान रखना चाहिए. ऑलराइट निकुंज, एक और स्पेस है, कल आप इसकी बात भी कर रहे थे कल परसों, कि मीडिया सेक्टर और जिस तरह के एड रेवेन्यूज आ सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, फेस्टिव सीजन आ रहा है. एफले इंडिया पे भी एक रिपोर्ट आई है गोल्डमन सैक्स की, और उन्होंने भी कहीं कुछ हद तक यही बात बोली है कि उनके ग्रोइंग रेवेन्यू हो सकता है डिजिटल एड के इफेक्टिवनेस को देखते हुए. आपने अगर इस रिपोर्ट को एनालाइज किया? जी हाँ, तो गोल्डमन सैक्स की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, मेरा मोबाइल फोन कहाँ पे देखे, छोड़ नहीं सकते, मोबाइल फोन हमेशा मिल जाता है. तो हम
हम मोबाइल फोन 4 से 5 घंटा बाकायदा यूज करते हैं. Correct. तो आज मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट रियल इस्टेट दुनिया में क्या है, आपका मोबाइल फोन है. इस स्क्रीन के अंदर जो होता है और स्क्रीन को जो कंपनी बेनिफिट जिससे उस बिजनेस से हो सकता है उस कंपनियों पर नजर रखिए. एफल इंडिया डिजिटल एडवर्टाइजिंग में एक आईपीओ आया था, आईपीओ के बाद बहुत अच्छा गया है ये. गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि हाई ग्रोथ बिजनेस है जो कि मैं एंडोर्स करता हूँ. अगर मैं कहाँ गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट से थोड़ा सा, क्योंकि हम हमारे व्यूअर के लिए चैट कर रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, देखिए उनका जो टारगेट ऑडियंस है डिफरेंट है, हमारा टारगेट ऑडियंस डिफरेंट है. एफल इंडिया हाई ग्रोथ कंपनी है मगर इसे पी मल्टीपल 50 है, FY24. तो मेरा मानना है कि एफल जैसी कंपनियों पर नज़र रखनी चाहिए, मगर इनको लेना चाहिए जब जून टाइप कोई बहुत बड़ी सेलिंग आती है. जून में शायद एफल इंडिया देखिए कितना नीचे आ गया था. डिम्पी साहब बिल्कुल, क्या डिम्पी साहब उंगलियाँ चलाइए फटाफट. हाँ जी एफल इंडिया देखते हैं, पॉज है सर. ये जून महीने के अंदर ये आपका शेयर पिटा है, मई में था सर ये करीब 1200 का और 1000 के आसपास, ये जून आते आते हो गया था 933 रुपए का, 1000 के आसपास. तो 20% का उछाल आ गया है. तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट के अंदर बहुत धड़ाले की तेजी है, बुढ़े लूज बॉल का वेट करिए जब एफल इंडिया लेना है. आपने बैंक्स की बात करी, शायद हम बात नहीं कर पाए. एक राइजिंग टाइड होती है, हम फिनोमिनन एक बोलते हैं कि एक समय आता है कि एक राइजिंग टाइड के अंदर सब बेनिफिट होता है. तो मिड कैप आईटी के अंदर, मिड कैप बैंक्स के अंदर मुझे लगता है कि वह समय आ चुका है. एक साल पहले सबको लगता था कि बैंक्स के अंदर पैसा नहीं बनेगा, अब सबको लगता है कि लार्ज बैंक्स में ही पैसा बनेगा. मगर जो गैप है बिटवीन लार्ज बैंक एंड स्मॉल बैंक आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हो चुका है. मार्केट में जब क्रेडिट ग्रोथ आएगी तो हो सकता है इनमें कम आए, पर इनमें भी क्रेडिट ग्रोथ आएगी. ऐसा तो है नहीं कि फेडरल बैंक या सिटी यूनियन बैंक की वैसा की बैलेंस शीट नहीं चलेगी, उनकी बैलेंस शीट्स में भी क्रेडिट ग्रोथ आने वाली है. तो जो गैप है मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा है. सेकेंड टेक्निकल इंडिकेटर आपने जो बताया वह भी ठीक लग रहे हैं. चौथा मेरे को लग रहा है कि इस मार्केट के अंदर अब निफ्टी और लार्ज कैप बैंक्स के अंदर एक चाल आ चुकी है और मार्केट में बैंकिंग को लेकर के आउटलुक चेंज हो चुका है. तो आप एक, हम अंग्रेजी में वर्ड बोलते हैं अल्फा जनरेट करेंगे. तो अल्फा जनरेट हमेशा स्टॉक्स में होता है. आप बोलेंगे जी मैं बैंक्स में बुलिश हूँ, मगर HDFC ICICI बैंक, HDFC बैंक और कोटक बैंक तो चल चुका है, अब क्या? तो मुझे लगता है अब क्या मैं इसमें बेनिफिट होगा. बट बिफोर वी लेट यू गो, रिलायंस पर भी CLSA की एक रिपोर्ट आई है, इंप्रूवमेंट ज्यादा दिखे हैं कैश फ्लोज में और रिपोर्ट में भी बाइंग कॉल इनिशिएटिव मेंटेन करने की इनफैक्ट ट्राई है. इस पर आपकी राय क्या है? यू नो अभी आई एम सरप्राइज दैट मार्केट के अंदर रिलायंस की AGM आने वाली है, इस बार कोई बात नहीं कर रहा है. ऐसा हाँ, मतलब रिलायंस के AGM के 7-8 दिन पहले मार्केट के अंदर गपशप चालू हो जाती है, बस चालू हो जाती है, व्हाट्सएप मैसेजेस आ जाते हैं. इस बार एक सन्नाटा सा है, कोई भी बात नहीं कर रहा है और बात से मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ. तो क्या अगर कुछ छोटा भी बड़ा अनाउंसमेंट आ सकता है, जो कि आ सकता है.